तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें, ठीक है? क्योंकि रिजल्ट आ गया है 2022 का और सारे बच्चे 2023 के लिए लग गए हैं, ठीक है? और 2-4 महीने बीत भी गया है, कुछ बच्चे तो 2-4 महीने में बहुत अच्छा खासा सिलेबस भी कवर कर लिया है, ठीक है? लेकिन आपने अगर अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है तो इस जुलाई से पढ़कर आप 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे और 95% मार्क्स कैसे लाएंगे, इस वीडियो में पूरा का पूरा फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपका भी 95 मार्क्स आने वाला है, ठीक है? देखिए, मैं बताऊंगा, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वही इस वीडियो को देखेंगे, जो पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है? पूरा फुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह पढ़ के और अच्छा मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, ठीक है? कुछ लोगों को जो ये पढ़ाई है बहुत ही ज्यादा तकलीफ देती है, ठीक है? वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अगर इसी दर्द को अगर आप झेलते रहें, डेली आप पढ़ते रहें, तो एक दिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, ठीक है? तो इसी के साथ चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार पढ़ाई करनी है, कि जुलाई से पढ़कर आप अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, ठीक है? देखिए, आपके पास जो महीने बचा है वो जुलाई बचा है, जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी। देखिए, इस बार जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के, वो आपके या तो जनवरी में टाइम टेबल आ जाएगा, फरवरी में आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, ना तो ज्यादा देरी होगा तो मार्च में, इससे ज्यादा देरी नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आपके पास कितने महीने बचे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, अधिक से अधिक 7 और 8 महीने आप लोगों के बचे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस बचा हुआ है। तो उस पूरे का पूरे सिलेबस को कैसे आपको खत्म करना है 7 और 8 महीने में, ठीक है? तो मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार 7 और 8 महीने में आप पूरे पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक है? और वादा है, मेरा प्रॉमिस है यहाँ पे कि 90% 100% आपको आने वाला है, ठीक है? मौका सभी को मिलता है। देखिए, ये जो जिंदगी सबको मौका देती है, उसी मौका में जो आप डेली लगे रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले करना क्या है, कि पढ़ते समय ज्यादा आलस आना, ठीक है? देखिए, जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं सबसे ज्यादा आलस आता है, उस आलस को दूर कैसे करेंगे आप, ठीक है? जैसे ही आलस आ रहा है आपको पढ़ते समय, तो आप उठ के थोड़ा टहल लीजिए, ठीक है? नहीं तो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को चेंज कर लीजिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ने से आदमी बोर हो जाता है, ठीक है? जैसे मैथ आप लगा रहे हैं तो मैथ लगाते लगाते 2-2.5 घंटे अगर आप मैथ लगा लिए हैं तो आप साइंस उठा लीजिए, साइंस पढ़ लिए तो इंग्लिश उठा लीजिए, ठीक है? अलग अलग आप 1-1, 2-2 घंटे में सिलेबस को चेंज करके पढ़ते रहिए, ठीक है? थोड़ा बीच बीच में आप 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं। फिर देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें, ठीक है? इस वीडियो में मैं अभी बताने वाला हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं कर पाते हैं, वो एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आप याद करेंगे, हैंड राइटिंग कैसे सुधारेंगे। सबसे ज्यादा मेन फोकस आप हैंड राइटिंग पर करें, ठीक है? हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है? अगर हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो उसे थोड़े, अगर पढ़े भी हैं अच्छे लिखे भी हैं तो थोड़ा मार्क्स आप लोगों का कट जाता है, तो इसलिए हैंड राइटिंग पर ज्यादा ही आप फोकस करें। पूरा ध्यान पढ़ाई पर कैसे लगाएं, ठीक है? इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा ध्यान आप पढ़ाई पर कैसे लगाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं भटकेंगे आप, ठीक है? सिर्फ आपको 7 और 8 महीने जो बचे हुए हैं शेष, उसमें आप लोगों को सिर्फ सिर्फ स्टडी करना है, ठीक है? देखिए, हैंड राइटिंग के लिए कैसे सुधार, देखिए दो चीज हो सकता है, हैंड राइटिंग में सुधर जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी याद कर रहे हैं तो एक बार आप लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद एक आप रफ लीजिए और उस क्वेश्चन को लिख कर याद कीजिए। क्या लिख कर? लिख कर याद करने से ये होगा कि हैंड राइटिंग में भी सुधार होगी और जो चीज लिख कर याद की जाती है वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। अगर वो आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम समय जब लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा डाटा आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए कुछ भी लिख अगर याद कर रहे हैं आप, तो उसको लिख कर याद कीजिए, तो जल्दी से आपको क्या होगा, वो याद हो जाएगा और उस तरह हैंड राइटिंग भी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। चलिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ सबसे जो मेन बात है कि सेट योर गोल। तब तक आप लक्ष्य नहीं अपना सेट किए रहेंगे, जैसे 2023 बोर्ड एग्जाम आपको देना है तो उसमें आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे 60% लाना है या 70 की 80 या 90 की 95% लाना है, ठीक है? अपना एक टारगेट फिक्स बनाएंगे, तो उस टारगेट को जैसे आपने 90% या 95% टारगेट बना दिया, तो 95% टारगेट अगर बना दिए हैं आप, तो उस प्रकार पढ़ना भी पड़ेगा आप लोगों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टारगेट आप पहले बनाइए, उसके अनुसार आप हार्डवर्क कीजिए।
तो देखिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना। हार्ड वर्क मतलब होता है कि पूरी जी जान से पढ़ना, डेली पढ़ना, कम से कम 7 या 8 घंटा डेली पढ़ना, हर सब्जेक्ट को समय देना, ठीक है। कोचिंग वगैरह कर लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए। और स्मार्ट वर्क का मतलब ये चीज होता है कि आप उसको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से कोई चीज को याद करना, जैसे फॉर्मूला हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसे किसी ट्रिक के माध्यम से बनाकर उसे हम याद करेंगे ताकि एग्जाम तक याद हो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं याद जल्दी होते नहीं है, तो स्मार्ट वर्क भी अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना है, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए अंदर से जिद होना चाहिए, यह नहीं कि जब आज पढ़ाई की है कल ना पढ़ाई की है, ठीक है। तो एक जिद और जुनून होना चाहिए कि डेली हम कैसे पढ़ें, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। मात्र 7 और 8 महीने अगर डेली आप पढ़ लेते हैं, उस तरफ फोकस कर लेते हैं, तो आप आराम से 90 या 95% ला सकते हैं और अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, हो सके तो आप जिला टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार लक्ष्य जरूर निर्धारित करें, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको ज्यादा मोटिवेट मिलेगा कि मुझे अगर 90% लाना तो मुझे उस प्रकार पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आदमी उस प्रकार पढ़ाई करता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सबसे पहले चैप्टर वाइज सिलेबस को खत्म करो, क्योंकि अभी समय आप लोगों के पास 7 और 8 महीने है, ठीक है, तो काफी समय है। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि काफी समय है, चलिए बाद में पढ़ते हैं, तो उस तरह छूट जाएगा। अगर अभी से लगेंगे तो सिलेबस को कवर कर लेंगे आप। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज सिलेबस को क्या कीजिए, खत्म कीजिए। हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सिलेबस को खत्म कीजिए। इसके बाद डेली उसको रिवीजन कीजिए। देखिए 6 सब्जेक्ट आपके हैं तो 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 घंटे अगर मैथ में देते हैं तो 7 घंटा मान के चलिए, तो 7 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं, वो भी हर एक सब्जेक्ट को। देखिए ऑल सब्जेक्ट को डेली आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाला ही आपका 90% लाता है, बिना पढ़ने वाला तो कुछ नहीं ला सकता है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तो लिखेंगे अच्छे से, जो आंसर पूछेगा उसको 100% सही लिखेंगे, तो उसमें आपके मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो जो पढ़ने वाला होगा वही 90% लाएगा, ठीक है। सबसे मेन बात है कि अभी से आपको टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। टाइम टेबल आपको सेट कर लेना है कि कितने बजे सुबह, अगर आप मॉर्निंग में कोई विषय याद करते हैं तो सुबह आप टाइम टेबल बना लीजिए, शाम को कोई याद करते हैं शाम को बना लीजिए। मैथ कब आपको लगाना है, साइंस कब पढ़ना है, इंग्लिश आपको कब पढ़ना है, ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि किस समय आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, तो उस समय आप टाइम टेबल एक सेट कर लीजिए, उसी के अनुसार आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको करना ही करना है, टाइम टेबल जरूरी है बनाना। इसके बाद देखिए क्या करना है कि चैप्टर वाइज जैसे सिलेबस खत्म करने के बाद, जैसे ही अगर आपको आज जैसे 7 और 8 महीने है, तो अगर आपने 4 या 5 महीने में अगर आपने सिलेबस खत्म कर दिया है, तो फिर आपको क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन तो आते नहीं है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें हर एक चैप्टर वाइज से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, कौन सा नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, ठीक है, मॉडल पेपर उठा लीजिए, अभी बताऊंगा मैं, उसको भी पढ़ना है। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ट्रिक लगाकर उसको पहले याद कर लीजिए, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पे ये चीज है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन एग्जाम में हर एक चैप्टर से एक एक आता है, ठीक है। तो आपको सारे चैप्टर को फोकस करके चलना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछेगा, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे, इस प्रकार ही आपको पढ़ाई करना है। फिर मैं आपको बताऊं कि जो मेन टॉपिक है आपको प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर मतलब 2022 का जो मॉडल पेपर है उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लें, क्योंकि उससे क्वेश्चन देखिए मॉडल पेपर से 5 या 7 क्वेश्चन आपके रिपीटेशन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर अगर सोल्यूशन कर भी लेते हैं तो आपको आइडियाज हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर पेपर को भी जरूर सॉल्व करें। 2022 में जितने पेपर हुए हैं, अपने दोस्त मित्र जो भी हों उनसे आप मंगा लीजिए या नेट से मंगा लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 90% आएगा, 100% मेरी गारंटी, अगर इतना काम अगर आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार आपको पढ़ाई करना है, और 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 90 या 95 मार्क्स लाना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस प्रकार जो बताया हूँ उस प्रकार अगर पढ़ाई करते हैं तो 100% आप लोगों का 90 या 95% अचीव होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसे लगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तैयारी कराऊंगा आप लोगों को पूरा संपूर्ण 2023 बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। और जिस प्रकार बताया उस प्रकार टाइम टेबल सेट करके आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए।